वसई विरार वालों के लिए एक बड़ी खबर है। 1 सितंबर से मोटरसाइकिल चलाने वाले और हेलमेट न पहनकर चलने वालों पर ट्रैफिक विभाग ने अब सख्ती कर दी है। हेलमेट न पहनने पर फाइन मारने से पहले बीते 1 सितंबर को वसई जोन 2 के ट्रैफिक विभाग ने गांधीगिरी का रास्ता अपनाया। इस दौरान ट्रैफिक विभाग की ओर से जागरूकता रैली का बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक विभाग के जवानों ने लोगों को जागरूक करने के लिए हेलमेट रैली निकाली और लोगों को संदेश दिया कि अपनी जान की सुरक्षा खुद उनके हाथों में है और उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वसई विभाग के ट्रैफिक कर्मी लोगों को फूल देकर उनकी जान की सुरक्षा के लिए उन्हें हेलमेट पहनने का अनुरोध करते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक विभाग कर्मी जो सीनियर अधिकारी हैं, वो बिना हेलमेट वाले और हेलमेट वाले लोगों को फूल देकर उन्हें एक संदेश दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इसी तरह कोमल है और इसी तरह मासूम भी, तो कृपया आप हेलमेट पहनिए जिससे आपकी जान की सुरक्षा हो सके। ट्रैफिक विभाग के सीनियर PI सागर इंगोले ने हमसे बात करते हुए बताया कि आने वाले दिनों में हेलमेट न पहनने वालों पर ट्रैफिक पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी और उन्हें दंडित किए जाने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। बीते दिनों कुछ ऐसे हादसे सामने आए जिसमें हेलमेट ना होने की वजह से लोगों की जाने गई हैं। अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान न जाती। हमारी जिंदगी बचा सकता है, हेलमेट ही हमारी जान बचा सकता है। आए दिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर वालों के होते हैं और टू व्हीलर वाले ही इसमें डेथ होते हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता। अगर हेलमेट पहनते हैं तो हमारी जान बच जाएगी। त्यांना फुल द्या, एक अपेक्षा आहे तुम्ही पुढच्या वेळे हेल्मेट घालूनच राहाल। हा, तुम्हाला फुल देऊन विनंती करण्यात येते की आपण हेल्मेट घालणं जरुरी आहे। ओके।